ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल जंपसूट, जिसके लिए ये प्लेन फैब्रिक लिया हमने 1.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को फोर फोल्ड किया है, हम टॉप का पार्ट बना रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए 3.5 इंचेस। यहाँ पर आएगा हमारा आर्म होल का पार्ट, हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं क्योंकि बाकी हमारी स्ट्रिप बनाएंगे हम। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 करके हम 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 7.5 इंचेस ले रही हूँ। अब हम पूरी लेंथ देखेंगे, तो पूरी लेंथ हमने यहाँ पर ली है 9.5 इंचेस जितनी। चलिए नीचे मार्किंग करते हैं। तो हम यहाँ पर 7 इंचेस पे मार्क करेंगे, ऊपर से 1/2 इंच हम कम ले रहे हैं। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम दे देंगे आर्म होल का शेप। तो ये शेप हो गया है हमारा आर्म होल का, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है, चलिए आपको ओपन करके दिखा देते हैं हम। तो इस तरीके के हमारे दो पार्ट बन गए हैं। ये है हमारा टॉप का पार्ट। चलिए अब बॉटम के पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। चलिए अब बॉटम का पार्ट बना लेते हैं। इसके लिए भी फैब्रिक को फोर फोल्ड किया है हमने। अब हमने जो ऑलरेडी टॉप का पार्ट कट किया है उसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके रख रही हूँ और हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब हम आगे की मार्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले क्रॉच एरिया आएगा, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंचेस। तो ये 8 इंचेस पे मार्क हो गया। स्ट्रेट में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरी मार्किंग करनी है, तो यहाँ से मैं 2 इंचेस पे एक मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम पूरी लेंथ देख लेते हैं। तो हमारी ये जो पूरी लेंथ है बॉटम की, वो है 18 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे आएगी हमारी मोड़ी की चौड़ाई। तो मैं यहाँ पे 6 इंचेस ले रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉच एरिया में शेप दे देंगे। तो राउंड में हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। तो ये मार्किंग हो गई है हमारे बॉटम के पार्ट की भी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है, चलिए अब उसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओपन हो गया है हमारा और ये हमारे दो पार्ट बन गए हैं बॉटम के भी। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर रफल बनाएंगे, जिसके लिए इस तरीके का हमने प्लेन पीस लिया हुआ है। सबसे पहले हम नीचे की बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेंगे और इस तरफ हम बड़े बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे ताकि हम इसमें रफल कर सकें। तो जो भी आपके मशीन में सबसे बड़े नंबरों की सिलाई है उसे कर दीजिए। तो ये देखिए हमने नीचे के बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है, साथ साथ हमने बड़े नंबरों की सिलाई की है। इसे हम हल्के हल्के हाथों से धागे को खींचेंगे ताकि हम इसमें रफल कर सकें। तो ये हमने बिल्कुल हल्के हाथों से खींच दी है। इसकी चौड़ाई उतनी ही रखेंगे जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। ये देखिए हमने रफल कर ली है। इस रफल को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ध्यान रखें राइट साइड के ऊपर, हम राइट साइड ही रख रहे हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने रफल को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हमने एक स्ट्रिप ली है, उस स्ट्रिप को हम इस तरीके से राइट साइड पर ही रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे बैक साइड पे हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और पूरे में सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी करेंगे। फ्रंट का पार्ट है, राइट साइड है हमारा। इस तरीके से स्ट्रिप को सिलाई करके हम बैक साइड पर डबल फोल्ड करके इस पार्ट को बना लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स बना लिए हैं। अब देखिए राइट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख रहे हैं। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए पूरी लेंथ में हम सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेंगे टॉप के पार्ट की। ये देखिए हमने फिटिंग कर ली है। चलिए अब बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। बॉटम का पार्ट के लिए सबसे पहले देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से आपको मिलाना है। तो हमने ये दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लिया है। अच्छे से मिलाने के बाद ये जो क्रॉच एरिया है हम उस पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने क्रॉच एरिया पे सिलाई कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है, साथ ही साथ हम इसमें इलास्टिक भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसको बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए और उसके साथ हम इस तरीके से इलास्टिक को भी लगा के पूरे में सिलाई कर लेंगे।
इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। ये देखिए हमने नीचे इलास्टिक लगा के सिलाई कर ली है, अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। तो इस तरीके से इस पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अब हमारा जो इन बॉटम का एरिया है उसमें हमें सिलाई करनी है, तो अच्छे से मिला के दोनों पार्ट को पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने नीचे की फिटिंग भी कर ली है, अब हम टॉपर बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर हमारा जो टॉप का पार्ट है हम उसे उल्टी साइड पे रख देंगे इस तरीके से, और पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। पूरे राउंड में ज्वाइन कर लीजिए और सिलाई कर लीजिए पूरे को इस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पर स्ट्रिंग बनानी है, उसे बना लेते हैं। तो फिटिंग के बाद हम स्ट्रिंग बना लेंगे। ये मिडल जो पार्ट है हमारा वहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए मेरा मिडल मार्क है, इस मार्क से राइट साइड पर ही मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी पूरी लेंथ में। इस तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, और उसके बाद हमें बैक साइड पर डबल फोल्ड करना है। तो ये सिलाई लगाने के बाद बैक साइड पर पूरी स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। ये पूरी स्ट्रिप को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ भी हम वैसे ही स्ट्रिप को बना लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से ये भी लगा दिए हैं। अब हमें मिडल में यहाँ पर इलास्टिक लगाना है, उसे लगा लेंगे। तो इसके लिए इस तरीके का हम इलास्टिक का पीस लेंगे, इसे उल्टा करके यहाँ पर इस इलास्टिक को जहाँ हमारी टॉपर बॉटम का पार्ट जॉइंट हो रहा है वहाँ पर इस तरीके से इलास्टिक को लगा के सिलाई कर लेंगे पूरी चौड़ाई में। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से फ्लावर भी अटैच कर लिए हैं और मिडल में हमारा इलास्टिक भी लग गया है, और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा ब्यूटीफुल डिजाइनर जंपसूट। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।